कौशल कक्कड़। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेरी अलाइनर्स की जर्नी। यानी फ्रेंड्स, मैंने 35 की एज में अलाइनर्स किए हैं। फ्रेंड्स, मैं ये जर्नी पूरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। एवरी अलाइनर का जो स्टेप रहेगा, तो पेशेंट को कैसा लगता है, पेशेंट को कैसा फील होता है, वो मैं सारी जर्नी आपको कहने वाला हूँ इस वीडियो में। और सारे मेरे पार्ट्स वीडियो के आएंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस है और मैं पूरे दिन मीटिंग्स रहता है मेरा, कस्टमर्स के साथ बातचीत करने का रहता है मेरा, इतना बार आना जाना रहता है। तो इसमें क्या था, मैं पहले ना ब्रेसेस या तो किसी से, बहुत मुझे लगता था कि मुझे कैसा लगेगा, कि एज ऑफ 35 मैं कैसा फील करूंगा, लोग क्या सोचेंगे। पर फ्रेंड्स, जब मैंने अलाइनर्स के बारे में सुना, सुमिरो डेंटल में डॉक्टर उषमा कक्कड़ ने मेरे को बताया है और डॉक्टर मित्तल पटेल ने मुझे आगे ट्रीटमेंट दिया है, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और इतना सही बताया कि मैंने एज ऑफ 35 पे अलाइनर्स लेने का पूरा डिसीजन लिया है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी के भी दांत आगे से, यानी गैपिंग है आपके दांतों में, या तो ऊपर के दांतों में गैपिंग है, या तो वो हिल रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन है कि आप अलाइनर्स जरूर कराएं। क्यों अलाइनर्स कराएं, वरना क्या होगा कि मेरे को फ्रेंड्स क्या फील हो रहा था कि मेरे दांत थोड़े थोड़े हिलने लगे थे, सेंसिटिविटी होता है, मेरे को पेन होता था, प्लस मैं कुछ च्यूइंग नहीं कर पाता, जैसे रोटी है, राइस है, मैं कुछ भी खा नहीं पाता था, या तो रॉ वेजिटेबल्स हो गया, रॉ फ्रूट हो गया, तो मैं कुछ भी खा नहीं पाता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। फिर मैंने अलाइनर्स लिया और अलाइनर्स मैंने पहना, मेरी सारी अलाइनर्स की डे वन से जर्नी, मुझे स्टार्टिंग में 2-3 दिन मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा सा लिटिल बिट पेन है, पर आफ्टर 2-3 डेज इट वॉज वेरी स्मूथ। और 15-20 डेज में मुझे अलाइनर्स मेरे चेंज करने रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स केस आता है, उसमें मैं अलाइनर्स मेरे रखता हूँ। 15-20 डेज में कैसा जर्नी रहने वाला है, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसके आगे के भी सारे वीडियोस में आगे शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज सारे मेरे वीडियोस देखिए। और फ्रेंड्स, आपको निकालने का कैसा है, कैसे उसको क्लीन रखना है, कैसे आपको 2-3 दिन पेन होगा तो कैसे उसको मैनेज करना है, क्या खा पी सकते हो, आप गर्म कुछ भी चीज इसमें नहीं ले पाओगे, आपको ठंडा चीज लेना है और कुछ भी च्यूइंग नहीं कर पाओगे, यानी आप कुछ ठंडा मिल्क हो गया या तो कुछ भी आप जूस ले लीजिए, वो सारा कुछ ले पाओगे, पर फ्रेंड्स गर्म कोई भी चीज नहीं ले पाओगे। और जब भी आप निकालेंगे या तो जब भी आप उसको खोलेंगे अलाइनर्स को, तो आपको उसको एवरी टाइम वॉश करना है, प्लस आपको ब्रश करना पड़ेगा। मैं मेरे साथ हमेशा मेरे टूथब्रश है, मेरा माउथ वॉश है और मेरा टूथ जेल है, वो मैं हमेशा मेरी बैग में रखता हूँ, ताकि मैं कभी भी निकालूंगा तो मुझे ब्रश करना है, उसको वॉश करना है और फिर मैं खाना या तो कुछ भी ले पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इतना थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, पर इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें बेनिफिट्स में ये है फ्रेंड्स कि मुझे दांतों, जो पूरे मसूड़े वगैरह लूज हो गए थे, दांतों में पेन हो गया था, तो वो एक तो मेरा 15 दिन में वो पेन गया है, प्लस फ्रेंड्स मेरे को 2-3 ईयर्स से बैक पेन था, तो मैं फिजियोथेरेपी ट्राई किया, मेडिसिन ट्राई किया, आयुर्वेदिक ट्राई किया, तो डॉक्टर उषमा ने मेरे को बताया कि आप कैसे दांत आपके अलाइन होते हैं तो आपका ये च्यूइंग का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम तो दूर होता ही होता है, पर बैक पेन का प्रॉब्लम था ना, वो इतना पुराना था, वो भी मेरा 15 डेज में ऑलमोस्ट 90% सॉल्व हो गया है। यानी अपने दांत, स्टमक और सभी के साथ तो कनेक्टेड है ही, आपको पूरा जॉ, आंख, कान सब कुछ पेन होता है, पर बैक पेन भी इसकी वजह से होता है। ये क्या होता है कि कहीं लोगों को नहीं पता, कहीं मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता है,
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दांतों की वजह से बैक पेन भी आपका सही होता है। तो फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपके दांत ऐसे कभी भी होते हैं तो आप अलाइनर्स ले लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईएमआई फैसिलिटी से अवेलेबल है, उसमें सारे ईएमआईस हो जाते हैं और ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होता है, पेन लेस होता है और दिखता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं जब भी बात करता हूँ तो आपको कहीं पर भी दिखेगा भी नहीं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप अलाइनर्स लिया हुआ है आपने। और फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको आगे के वीडियो में कैसे इसको निकालना है, कैसे रखना है, कैसे उसका टेक केयर करना है, आफ्टर 15-20 डेज कैसा लग रहा है, मैं वो सारे वीडियोस आपको देने वाला हूँ। मेरे बिफोर आफ्टर के ट्रीटमेंट के वीडियोस भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वेरी है ड्यू टू अलाइनर्स तो मुझे श्योर शेयर कीजिए। प्लस आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके आंसर्स दूंगा। मैं मेरा नंबर वगैरह सब कुछ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।